नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। शनि अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव अपनी अवस्था को परिवर्तित करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, जिस प्रकार इंसान, सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की आयु होती है, हम सभी की आयु होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी पांच अवस्था होती है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था। तो जब ग्रह बलि स्थितियों में कुमार अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके क्षमता में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। शनि 12 अगस्त 2023 को बाल अवस्था को छोड़कर कुमार अवस्था में 12 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के मध्य तक रहने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनि परम बलि स्थितियों में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में शनि आपको प्रभावित करेंगे और किन किन क्षेत्रों में शनि आपको काफी सकारात्मकता देने वाले हैं, तो शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार गुरु बृहस्पति शनि को बड़े ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है और इनका नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में विशेष बदलाव देता है। शनि का कर्म के ऊपर, लाभ के ऊपर, प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, सभी प्रकार के नौकरी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभाव क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों के कारक शनि होते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी भी हैं और एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि सबसे लंबे समय तक अपना शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव डालते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की यह अवस्था परिवर्तन और शनि का बलि अवस्था क्या प्रभाव डाल रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों, शनिदेव 12 अगस्त से लेकर 4 नवंबर के बीच में मूल त्रिकोणस्थ हैं और आपके दशम भाव पर प्रभावी हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, शनि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 12 अगस्त को अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं और दशम भाव पर 10 गुना ज्यादा बलि हो रहे हैं। राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। वृषभ राशि के ऊपर दशम भाव पर शनि विराजित होकर स्वस्थ नाम का राजयोग भी बना रहे हैं, तो इसका आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है। सबसे पहले, यदि आपके जीवन में पूर्व समयावधि से करियर को लेकर तनावपूर्वक स्थिति बनी हुई है, चूंकि राहु देव और गुरु बृहस्पति आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होकर द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो वृषभ राशि के जातकों, यदि कर्म क्षेत्र के मामले में आपको रुक रुक कर कार्य हो रहे हैं, करियर में आपको वृद्धि नहीं हो रही है, धीमी गति से प्रगति मिल रही है, शनि कर्म भाव पर विराजित होकर 10 गुना ज्यादा बलशाली हो रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। करियर के संदर्भ में विदेश जाने के अवसर मिलेंगे, यात्राओं का भरपूर लाभ आपको होने वाला है।
उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, नई नौकरी या नया व्यापार यदि आप शुरू करने की योजना बना रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। माता के सेहत को लेकर समस्या यदि आपको बनी आ रही थी, शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसकी वजह से माता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। 12 अगस्त से लेकर 4 नवंबर के बीच में शनि की दृष्टियां आपके 12वें भाव पर पड़ेंगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी और अष्टम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर पड़ने वाली है। परिणाम स्वरूप यदि वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा था या वैवाहिक जीवन में उत्साह की कमी बनी हुई थी, अनचाहे विवाद बने हुए थे, सद्भाव की कमी बनी हुई थी, वैवाहिक माहौल बेहतर रहेगा, दाम्पत्य संबंधों के मामले में भरपूर सुख आपको देखने के लिए मिल सकता है। शनि की यह अवस्था परिवर्तन आपके जीवन में प्रतिद्वंद्वियों को धराशायी करेगी। यदि आपके जीवन में शत्रु पक्ष से काफी नुकसान हो रहा है उससे आपको निपटारा होने वाला है। कुंडली के सप्तम भाव से दैनिक आय के बारे में विचार करते हैं, यहां पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। यहां पर वृषभ राशि के जातकों को धन के मामले में वृद्धि दिखाई देगी। एक तो शनिदेव वक्री हैं, वहीं शनि अपनी कुमार अवस्था में गोचर करेंगे तो कई क्षेत्रों से बड़े धन लाभ कमाने में सफल रह सकते हैं। वर्क प्लेस पर मान सम्मान में वृद्धि दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन में और सामाजिक रूप से भी सम्मानपूर्वक स्थितियां मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में विदेश जाने की यदि आप योजना बना रहे हैं और विदेश जाकर कार्य व्यवसाय संचालित करना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट खराब बनी हुई है, शनि काफी बुरा प्रभाव दे रहे हैं, ये उपाय आपको जरूर करना है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करने के पश्चात यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है और स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।